Hello friends, welcome back to Exampedia Info YouTube channel, and thank you so much for your support. Today, Bihar Public Service Commission 63rd BPSC prelims ka registration kaise karna online, wo is video mein dekh sakte hain. Sabse pehle aap BPSC ke official website pe jana hai aur wahan pe aapko apply online wala jo link dikhega. वहाँ क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखेगा दोस्तों. आप यहाँ से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 63CCE दिख गया होगा. वहाँ क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा. यहाँ पे आप अपना कैंडिडेट, अपना फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, ये डिटेल्स आपको फिल करना है. After that, father's husband name, mother name, date of birth, marital status, gender, email ID, mobile number, Aadhaar number, are you a grandson, daughter of a freedom fighter as per advertisement. दोस्तों आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मैरिटेरियल स्टेटस यस और नो, जेंडर, फिर आप अपना ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, क्योंकि वहाँ पे आपका पासवर्ड एंड फर्दर कम्युनिकेशन होगा ऑनलाइन. उसके बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर जो एक्टिव हो, और ये मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है जब तक ये सारा प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि इस पे दोस्तों आपको मैसेज आएगा. आप अपना आधार नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है. फिर आप कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यस या नो डालना होगा. फिर SC ST EBC एंड BC वो डालने के बाद आपका जो फिजिकली एलिजिबिलिटी है वो डाल सकते हैं. देन एड्रेस ऑफ क्रॉस्पोंडेंस, आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं. आपको एड्रेस अपना यहाँ पे फिल करना है दोस्तों. इस एड्रेस डालते समय गलती ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए लेटर वगैरह जाया करेगा, ठीक है. उसके बाद एड्रेस ऑफ परमानेंट एड्रेस, दिस इज क्रॉस्पोंडेंट, एंड आपको फिर परमानेंट एड्रेस डालना होगा. सेम एज, अगर आपका सेम है तो सेम डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अलग डाल सकते हैं. तो हमारा तो सेम है. फिर डू यू हैव एनी रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर दिस एडवर्टाइजमेंशन. आप फर्दर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं, वो आपको डालना होगा यहाँ पे. तो यस सेलेक्ट करेंगे. मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप यही फॉलो करके आप BPSC 63rd कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा BPSC को ऑनलाइन या चालान के द्वारा. पेमेंट करने के बाद आपका 24 आवर के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है फॉर्म भरने का, डिटेल्स फॉर्म्स वो भर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने के 24 आवर के बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं. तो दोस्तों इस चीज़ बात का आप ख्याल रखें. ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फुल्ली भरने के बाद आपको OTP आएगा ईमेल आईडी पर और मोबाइल पे. दोनों OTP को डालने के बाद यहाँ पर जो सबमिट बटन है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं. तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.